हरियाणा में जननायक जनता पार्टी ने भी चुनावी बिगुल बजा दिया है। सोनीपत लोकसभा के मद्देनजर जेजेपी ने आज जुलाना में नव संकल्प रैली का आयोजन किया। इस रैली में जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे, वहीं मंच से जजपा नेताओं ने भी जमकर हुंकार भरी। जी हां, जुलाना रैली से ही जजपा ने लोकसभा चुनाव के रण में कदम रख दिया है। इस रैली में जननायक जनता पार्टी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपना मिशन बताया और कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में जोश भी भरा। जजपा की इस रैली में मिशन दुष्यंत 2024 का आगाज किया गया। इस मिशन के तहत कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई और मंच से हुंकार भरी गई कि आने वाला वक्त जजपा का है और 2024 में दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज वो कहते हैं दुष्यंत एंड कंपनी से छुटकारा पाओ। दुष्यंत कौन है? वो एक दुष्यंत नहीं है। आज ये दुष्यंत जो है, हजारों हजारों कार्यकर्ता सोनीपत के आपके सामने बैठे हैं, ये दुष्यंत है। और कंपनी कौन सी है भाई? ये हमारी कंपनी है किसान की, गरीब की और मजदूर की कंपनी। भाई इससे कोई छुटकारा पाना चाहता है क्या? बता दो, इस कंपनी से कोई छुटकारा नहीं है। तो किसान और गरीब की कंपनी है भाई। ये चौधरी देवीलाल की कंपनी है, ये कमेरे की कंपनी है, ये दलित की कंपनी है, ये शोषित की कंपनी है। तो दुष्यंत और कंपनी, दुष्यंत एंड कंपनी का 2024 की ओर जो निशाना है वो बांध लिया। मीडिया के लोगों को कहूंगा वो समादूर नहीं, अक्टूबर के अंदर जब अगले वर्ष चुनाव होंगे और चंडीगढ़ के अंदर जब शपथ होगी तो भाई दुष्यंत चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। उस ओर हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने अपना मन बना लिया है। गठबंधन में होते हुए जब भाजपा के नेता ने जजपा को आड़े हाथों लेने से पीछे नहीं हटे तो जजपा नेताओं ने भी आज भाजपा के अपने बुलंद हौसले और भविष्य की तैयारियों को लेकर बड़ा संकेत दे डाला। एक तरफ जहां जुलाना की रैली में जजपा के हर नेता ने दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुंकार भरी, वहीं दुष्यंत ने कहा कि दो टूक शब्दों में कह दिया कि जजपा की ये चाबी यहीं रहेगी और विधानसभा का ताला खोलती रहेगी। मैं तो आज कहता हूं ये चाबी यहीं रहेगी और हरियाणा विधानसभा का ताला यही चाबी खोलती रहेगी। साथियों, मगर उसके लिए अगले एक डेढ़ साल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खरखोदा गया उस दिन पवन के, मैं एक बात कही, मैं पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। अगर इतिहास बदलना है, वो परिवर्तन लाना है, तो साथियों अगर हम 11 महीने की मेहनत में 16% वोट और 10 विधायक लाकर वो ताला खोल सकते हैं विधानसभा का, आज तो 4.5 साल हो गए, 1.5 साल मेहनत का आगे है। आप मेहनत नहीं करते रहो और ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर ये चाबी चंडीगढ़ तो जाएगी मगर लोकसभा के अंदर भी हिस्सेदारी लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भी हम जाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला यही नहीं रुके, उन्होंने गठबंधन सरकार की उपलब्धियों को भी मंच से गिनाया। उन्होंने बताया कि पिछले 3.5 सालों में गठबंधन सरकार ने प्रदेश में सैकड़ों तालाब नए बनाए, हजारों तालाब पर काम चल रहे हैं, गली निर्माण, सड़क निर्माण व डिजिटल लाइब्रेरी जैसी अनेकों ऐसे काम किए हैं जो जनता से सीधे सरोकार रखते हैं। दुष्यंत ने इस मौके पर अपनी पुरानी पार्टी इनेलो को भी आड़े हाथों लेने में कमी नहीं छोड़ी। साथियों, ये बारी बारी कहते हैं कि ये तो चिपके पड़ा है, मुझे एक चीज तो बताओ, कांग्रेस हो, इनेलो हो, निर्दलीय साथी हो, इन सारों को एक ही चीज क्यों आती है? इनके समझ में एक ही चीज रहती है कि किसी तरह दुष्यंत से पेंडा छुटा ले। और बारी बारी आप बयान देखना, ऐसा बोला जाता है जैसे मैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। आज प्रदेश को हमने पीछे नहीं ले जाया, आगे ले जाने का काम किया। और यह विश्वास करा दूंगा आपको कि आज प्रदेश के अंदर लोग कहते हैं कि ये छोरों का टोल था, बच्चों की पार्टी थी, 4.5 साल में उनको विश्वास हो गया कि छोरों का टोल नहीं, चौधरी देवीलाल के विचार, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के मजबूत ताकत के बदौलत हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे संगठित और सबसे मजबूत कोई दल है तो जननायक जनता पार्टी है।
और उस समय तो कई साथियों के बहम था कि शायद पहला चुनाव है, सरकार में हिस्सेदारी होगी नहीं होगी, विधायक कितने जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और थोड़ी थोड़ी कसर रहेगी। ये तो दो तो अभी यहाँ बैठे ही है, मेरे ख्याल से पवन रह गया 3200 वोटों से, 1200 से। ये खरखोदे वालों को पता होता कि 10 बनेंगे ताड़ा चाबी से खुलेगा, तो इसके फीता एमएलए का नहीं लगा होता, लगा होता नहीं होता। मगर साथियों, अगर चाहते हो कि वो फीते ज्यादा लगे, विधायक आपके ज्यादा जीत के जाए, तो फिर मैदान में आज उतरना पड़ेगा, पूरी लगन निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप मैदान में बस चलना शुरू कर दो। जुलाना रैली के मंच पर मंत्री अनूप धानक, मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के साथ कई विधायक व पदाधिकारी बैठे थे। इसी दौरान दुष्यंत ने किसान आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि मैंने खुद घर पर बैठकर किसानों से टकराव का टाला है। आज लोग कहते हैं मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन मैंने जो झेला है वो कोई और नहीं जानता। मैंने 4 चीज कही है, उसको मूल मंत्र बना के 1.5 साल काम कर लो। मेरे में भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी होगी। कई पत्रकार साथी कहते थे आपको गुस्सा आने लग गया, शायद कोरोना में घर बैठ बैठ के गुस्सा आ गया हो। किसान आंदोलन में किसान से भिड़ंत ना हो, हमारे भाई हमसे परमानेंटली नाराज ना हो जाए, इसलिए घर बैठना पड़ गया। मगर साथियों, अब नहीं बैठूंगा। अब तो 4 चीजों का मूल मंत्र लेकर प्रदेश को पूरी तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम जितने बैठे हैं नापने का काम करेंगे। और वो 4 चीजें हैं, सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन चारों चीजों को लेकर आगे बढ़ने का काम करो। और ये विश्वास कर देता हूं कि जो आपके मन में ताकत प्रदेश में बनाने की है, ये वादा मेरा है, उस ताकत को पूर्ण तौर पर प्रदेश में जननायक जनता पार्टी लाने का काम करेगी। उधर दुष्यंत चौटाला ने हुंकार भरी तो पार्टी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला भी जोर से सराबोर दिखाई दिए। अजय चौटाला ने मंच से कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर आप लोगों ने बूथ योद्धा, बूथ सखी और संगठन की मजबूती को लेकर दिल से काम कर दिया तो 10 विधायक से 46 विधायक होते देर नहीं लगेगी। जिसके पास ताकत होती है उसी की पूछ होती है। आपको याद होगा विपरीत परिस्थितियों में हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार ने जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पैरा देने वाले लोगों के बीच में किए गए वायदों को कानूनी रूप से अमली जमा पहनाने का काम किया और 75% से ज्यादा वायदे इन 3.5 वर्ष में हमने पूरे किए हैं। मैं बार बार उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, मेरे से पूर्व वक्ता बता चुके हैं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जो कोई कोर कसर कमी कोताही पिछले 3.5 वर्ष में रही है, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आगामी 1.5 वर्ष में उसकी भरपाई करने का काम ही नहीं करेंगे, बल्कि सवाया करके आपको देने का काम करेंगे। और आपसे भी गुजारिश और विनती करूंगा कि आप लोग भी संगठन की दृष्टि से जो कोई कोर कसर कमी कोताही रही है उसकी भरपाई करने का काम आप करना। और उसके लिए सीधा सा एक फार्मूला है, हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, एक मजबूत बूथ सखी, एक मजबूत बूथ एजेंट और अनुभवी लोगों की टीम उनके साथ खड़ी करना। अगर इस तरह का संगठन खड़ा करने में आप कामयाब रहे तो फिर मिशन 2024 को कोई रोकने वाला नहीं। फिर ये 10 विधायक से 46 होते हुए देर नहीं लगती, फिर ये 17% से 51 होते हुए भी देर नहीं लगती।
कुल मिलाकर दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जजपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। लोकसभा क्षेत्र में जजपा की रैली का सिलसिला जुलाना से शुरू हुआ है, जो कि अब सभी 10 सीटों पर यूं ही चलता रहेगा। इसी महीने में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जजपा की दूसरी रैली प्रस्तावित है और उसके बाद 6 अगस्त को हिसार में रैली का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में हरियाणा के अंदर सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं, जिसमें जजपा ने आज जुलाना से मिशन दुष्यंत 2024 का आगाज कर दिया है। जुलाना से विजेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।